नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक 81 साल की बुजुर्ग महिला की भी दशकों की तपस्या पूरी हो जाएगी। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त किए जाने के बाद महिला ने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर की नींव नहीं रखी जाती वे अन्न ग्रहण नहीं करेगी। ऐसे में वो पिछले 28 सालों से फलाहार के साथ राम नाम का जाप करते हुए उपवास रख रही है। इस बुजुर्ग महिला का नाम उर्मिला देवी है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के विजयनगर की रहने वाली है। उर्मिला देवी के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए 53 साल की आयु में उपवास आरंभ किया था। अब वो 81 साल की हो चुकी है और अब अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इस दिन वो पूरे दिन अपने घर में रहकर राम नाम का सुमिरन करेगी। वो चाहती है कि अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने के बाद ही वे अन्न ग्रहण करें। हालांकि उनके परिवार वाले उन्हें समझा रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सिर्फ आमंत्रित लोगों को ही अयोध्या बुलाया है, ऐसे में उन्हें घर पर उपास तोड़ लेना चाहिए, मगर वे मानने को तैयार नहीं है।